हेलो बेटा, हाउ आर यू? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ एट योर होम, एंजॉयिंग योर स्टडीज विद अ ग्रेट एंथुसियास्म, एंड यू आर गोइंग टू प्रिपेयर योरसेल्फ टू टैकल विद एवरी सिचुएशन दैट यू आर गोइंग टू फेस इन द फ्यूचर. ओके बेटा, नाउ इन दिस सेगमेंट वी हैव ऑलरेडी, एज बेटा यू रिमेंबर, वी हैव डिस्कस अबाउट लेक्चर फर्स्ट ऑफ द लेटर राइटिंग. लेटर राइटिंग के बारे में हमने एक लेक्चर अभी हम लोग पढ़ चुके हैं. उस लेक्चर में बेटा क्या पढ़ा था हमने, रिवाइज कर देना बेटा. लेटर में हमने कितने एट पार्ट्स को पढ़ा था. कितने पार्ट्स? एट. अब वो पार्ट्स कैसे थे? फर्स्ट दैट वाज द एड्रेस. अब वो एड्रेस किसका था बेटा? सेंड. ठीक है, एड्रेस के बारे में हमने चर्चा की थी कि एड्रेस कैसे लिखते हैं, क्या फॉर्मेट होता है. नेक्स्ट हमने कहा था कि एक लाइन छोड़िए, उसके बाद क्या लिखे? डेट. I have told you how to write the date. इसका मैंने आपको बताया था. हमने डेट ऐसे नहीं लिखी है, हमने डेट ऐसे भी नहीं लिखी है, हमने डेट को ऐसे भी नहीं लिखना. क्यों नहीं लिखना है? रीजन है इसके पीछे, समझिए. अगर ऐसे बात की जाए ऐसे, तो इस सेम का मीनिंग कहां? अगर मैं आपसे कहूं ब्रिटिश की बात करूं, तो ब्रिटिश में इसका मीनिंग होगा 12 जनवरी 2020. लेकिन अगर सेम की बात बेटा मैं कहां पर करूं? अमेरिकन में बात करूं तो क्या होगा? दैट विल बी दिसंबर फर्स्ट 02:00. बेटा ऐसा क्यों होगा? क्योंकि क्या होता है बेटा, जो अमेरिकन होते हैं दे राइट द मंथ बिफोर द डे. तो मैंने क्या कहा, आपको जब डेट लिखनी है वो किस फॉर्मेट में लिखनी है बेटा? डेट आपको फॉर्मेट में लिखनी है. डेट का फॉर्मेट क्या होगा? दैट इज डेट. डे क्या होगा बेटा? फिगर में होगा. आफ्टर दैट वोट मंथ कैसे होगा बेटा? मंथ विल बी इन द फॉर्म ऑफ वर्ड, इन द वर्ड्स. वर्ड्स इन अदर सेंस यू मे से नेम ऑफ द मंथ. क्या होगा बेटा? नेम ऑफ द मंथ होगा. एंड आफ्टर दैट व्हाट विल बी देयर, देयर विल बी द ईयर. ईयर इन व्हाट बेटा? ईयर विल बी इन फिगर. ईयर विल बी इन फिगर. ओके बेटा, चलिए आगे चर्चा करेंगे. इसके बाद बेटा, इसके बाद मैंने आपको कहा था दैट यू हैव टू राइट व्हाट व्हाट वाज सेड थर्ड. तो बेटा डेट का फॉर्मेट क्या हो गया हमारे पास? डेट का फॉर्मेट हमारे पास हो गया डेट मंथ ईयर. ठीक है, ये न्यूमेरिकल में आनी है, इसकी वर्ड्स में आनी है. वर्ड्स मीन्स नेम आना है. न्यूमेरिकल की जगह में क्या लिख देता हूं बेटा? नेम. यहां पर क्या आना है? न्यूमेरिकल वैल्यू आना है. ठीक है बेटा, इसके बाद बेटा थर्ड मैंने क्या बताया? थर्ड मैंने आपको बताया था रिसीवर्स एड्रेस. क्या बताया था बेटा? रिसीवर एड्रेस बताया था. फोर्थ मैंने आपको बताया था सैल्यूटेशन. फिफ्थ मैंने आपको बताया था बेटा सब्जेक्ट. ध्यान से समझिए, मैंने बताया था सैल्यूटेशन और सब्जेक्ट में इंटरनल चॉइस होती है. यू मे राइट ईदर सब्जेक्ट बिफोर द सैल्यूटेशन और ईवर सैल्यूटेशन बिफोर द सब्जेक्ट. नंबर सिक्स वाज व्हाट? द मेन बॉडी मीन्स जो लेटर की बॉडी होती है, मेन बॉडी. ठीक है, मेन बॉडी में मैंने आपको बताया था देयर आर थ्री पार्ट्स. पहला इंट्रोडक्शन का पार्ट होता है, थ्री पैराग्राफ में डिवाइड करते हैं. दूसरा कंटेंट होता है, जो हमारा मेन कंटेंट, व्हाट इज द रीजन ऑफ राइटिंग द लेटर. और थर्ड में क्या होता है? कंक्लूड या क्लोजिंग होती है. ठीक है, इसके बाद नंबर सेवन मैंने क्या बताया? लीविंग सैल्यूटेशन. After that, number seven was what? Number seven was signature with name, and at last there will be what? Number eight was there, that is superscription on envelope. Envelope or superscription.
सब्सक्रिप्शन होगा, ठीक है बेटा। तो इन चीजों के बारे में हमने चर्चा की थी, हमने मेल बॉडी के बारे में भी चर्चा की थी, हाउ टू राइट। आज बेटा हम चर्चा करने वाले हैं, ये तो हमारा हो गया टॉपिक जो हमने रिवाइज किया है एक बार अबाउट द लास्ट लेक्चर, ठीक है। अब एक बार बेटा हम क्या करते हैं, अब एक बार हम लोग चर्चा करते हैं किसके बारे में, दैट इज टाइप्स ऑफ लेटर्स। लेटर्स की टाइप्स क्या होती है बेटा, लेटर्स बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट फॉर्मल एंड सेकंड इनफॉर्मल, ठीक है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर, फॉर्मल और इनफॉर्मल, दो टाइप्स के लेटर होते हैं, समझ बेटा। फॉर्मल लेटर्स की अगर बात की जाए, फॉर्मल लेटर्स में हम क्या करते हैं, ठीक है, फॉर्मल लेटर्स हम लिखते किसे हैं, सबसे पहले चर्चा करेंगे हुम वी राइट द फॉर्मल लेटर्स, ठीक है। समवन, किसी ऐसे व्यक्ति को लिखते हैं, कौन होता है, ऑफिशियल, ईदर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई व्यक्ति जो ऑफिशियल होता है उसे हम क्या लिखते हैं बेटा, फॉर्मल लेटर लिखते हैं। इसके अलावा हम इसे लिखते हैं फॉर्मल लेटर्स और किस तरीके से लिखते हैं, मींस एवरी ऑफिशियल ईदर इन द यस गवर्नमेंट, ईदर इन द गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट एंड एज वेल एज द प्राइवेट फंक्शनिंग, ठीक है। तो वो व्यक्ति जो कोई ऑफिशियल है, जो कोई ऑफिशियल है उन्हें हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं। लिखते क्यों हैं, टू ड्रॉ देयर अटेंशन, टू ड्रॉ देयर अटेंशन रिगार्ड एनीथिंग, किसी भी चीज को लेकर उनकी अटेंशन को हम लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे इनफॉर्मल लेटर के बारे में। इनफॉर्मल लेटर्स हम किसे लिखते हैं, रिलेटिव्स, नेक्स्ट पेरेंट्स, सिब्लिंग्स, फ्रेंड्स, एक्वेंटेंसेस, एक्वेंटेंसेस मीन्स जो परिचित व्यक्ति होते हैं उन्हें हम क्या लिखते हैं बेटा, वी राइट द इनफॉर्मल लेटर्स टू दोस्त, ठीक है। आज हम जो चर्चा करेंगे बेटा, आज हमारी चर्चा किस बारे में होगी, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फॉर्मेट। बेटा हमने रिसेंटली जो फॉर्मेट मैंने अभी रिवाइज कराया, फॉर्मेट किसका था, दैट वाज द फॉर्मेट ऑफ अ लेटर, नॉट ऑफ एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ लेटर। आज हम चर्चा करते हैं लेटर की टाइप्स, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, दैट इज फॉर्मल लेटर। आज हम इससे शुरुआत करते हैं, फॉर्मल लेटर से शुरुआत करते हैं, ठीक है। फॉर्मल लेटर से शुरुआत करने के लिए बेटा मैं कुछ चीजों को रिवाइज दोबारा कर देता हूँ। इन दिस सेगमेंट वी आर गोइंग टू राइट अ फॉर्मल लेटर, हम इस सेगमेंट में फॉर्मल लेटर को लिखने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए दोबारा रिवाइज करता हूँ, सबसे पहले जल्दी जल्दी लिखते हैं बेटा, सेंटर्स मेरे साथ दोबारा करिए, सेंटर सेंटर्स, एक लाइन छोड़ने के बाद हमने लिखनी है डेट, फिर एक लाइन छोड़ने के बाद हमें क्या लिखना है, वी हैव टू राइट वो दैट इज रिसीवर्स एड्रेस, आफ्टर दैट नंबर फोर्थ व्हाट वी हैव टू राइट, वी मे राइट इधर सब्जेक्ट और सैल्यूटेशन, दोनों में से कोई भी किसी का भी नंबर चेंज हो सकता है, ठीक है। नंबर फिफ्थ द बॉडी, ठीक है बेटा, नंबर बॉडी के बाद नंबर सिक्स व्हाट वाज देयर, बॉडी के बाद क्या था, दैट इज लिविंग सैल्यूटेशन, लिविंग सैल्यूटेशन था बेटा, और लिविंग सैल्यूटेशन के बाद नंबर सेवन पर क्या था बेटा हमारा, दैट इज सुपरस्क्रिप्शन, क्या था बेटा सुपरस्क्रिप्शन, या इन वर्ड साथ क्या सबस्क्रिप्शन, जिसमें सिग्नेचर आता है अलोंग विद नेम ऑफ द सेंडर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, फॉर्मल लेटर्स में लेटर में सेंडर एड्रेस होगा बेटा, ध्यान रखना सभी डोंट राइट द नेम, नेम नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, केवल एड्रेस लिखते हैं। मान लीजिए एड्रेस जो है लिखने वाला व्यक्ति कहां से है, अब एक चीज और ध्यान रखिए, वी हैव टू राइट इट एट द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द पेज, ठीक है। तो सबसे पहले शॉर्ट पर हम क्या लिखेंगे बेटा, मैं यहां पर दो वर्ड लिख रहा हूं आपके समझने के लिए, एक वर्ड मैंने
writing, but I am just writing it to make you understand. ठीक है? From means it means I am going to write the address of the sender here. यहाँ पर मैं किसका address लिखने जा रहा हूँ? Sender का address लिखने जा रहा हूँ. House number 15. House number 15. Main market. Main market road. ठीक है. Main market road. अब इसके नीचे हम क्या लिखेंगे? House number आएगा. उसके बाद lane number या street number whatever is there. House number 15. मेन मार्केट रोड हाउस नंबर के बाद आप चाहें तो बेटा स्ट्रीट अगर वहां पर मेंशन है तो आप स्ट्रीट में मेन मार्केट रोड हाउस नंबर 15 स्ट्रीट नंबर 5 ठीक है स्ट्रीट नंबर 5 हाउस नंबर 15 मेन मार्केट रोड ठीक है नेम ऑफ द सिटी जिस सिटी से हम चर्चा कर रहे हैं सिटी मीन्स मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ किसके बारे में मोदी नगर ठीक है मोदी नगर ठीक है इसके बाद बेटा आपको एक लाइन ब्लैंक छोड़नी है और उसके बाद आप क्या लिखेंगे डेट लिखेंगे बेटा डेट का फॉर्मेट मैंने आपको क्या बताया था दैट इज डेट मंथ एंड देन ईयर बेटा डेट क्या है मान लीजिए आज की डेट हम लोग ले लेते हैं दैट इज 10 बेटा मंथ के बारे में मैंने क्या बताया था नेम लिखना है 10 ऑफ अगस्त 2020 ठीक है दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग द डेट व्हेन वी आर राइटिंग अ फॉर्मल लेटर व्हेन वी आर राइटिंग अ फॉर्मल लेटर ठीक है बेटा आफ्टर दैट वाज रिसीवर्स एड्रेस क्या बेटा रिसीवर्स एड्रेस अब रिसीवर्स एड्रेस क्या होगा मैंने रिसीवर एड्रेस में बेटा एक टर्म लिखी है यहां पर मैंने क्या लिखा था फ्रॉम और मैं आपको मेक यू अंडरस्टैंड में यहां पर क्या लिख रहा हूं टू You are free not to write these words, but I am just making you understand how to write. ठीक है बेटा? इसके बाद हम क्या लिखेंगे? To means the person whom we are going to write this letter. उस व्यक्ति को जिसे हम ये लेटर लिखने जा रहे हैं. ठीक है? तो वो व्यक्ति कौन होगा? Deputy manager. डिप्यूटी मैनेजर इसे लिखने जा रहे हैं डिप्यूटी मैनेजर इसके बाद बेटा फर्म का नेम लिखेंगे जिस फर्म में वो डिप्यूटी मैनेजर है मान लीजिए मैंने कहा ऑयल सीड्स ध्यान में रखिए बेटा जो जब हम क्या लिखेंगे बेटा व्हेन वी विल राइट द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन का नेम कैसा है ऑर्गेनाइजेशन का नेम तीन वर्ड्स का है या चार वर्ड्स का है ठीक है तो हर एक वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैसा होगा कैपिटल होगा कैसा होगा बेटा कैपिटल होगा इसे मैं क्या कर देता हूं इसे मैं यहां से रिवर्स कर देता हूं डिप्यूटी मैनेजर इसे लिख रहा हूं डिप्यूटी मैनेजर द टाइम्स ऑफ इंडिया द टाइम्स ऑफ इंडिया ठीक है या डिप्यूटी एडिटर को भी कह सकते हैं आप ऑल दो वे वेन वी राइट अ लेटर टू द बोर्ड टू द न्यूज़पेपर सो वी मस्ट राइट टू बोर्ड एडिटर तो यहां पर एडिटर कर दें क्या मैनेजर की जगह चलिए एडिटर कर देते हैं डिप्यूटी एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया द टाइम्स ऑफ इंडिया इसके बाद बेटा हम क्या लिखेंगे सिटी उस सिटी का नेम जहां पर हम लिख रहे हैं दैट इज न्यू Then, उसके बाद बेटा समझिए ध्यान से बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप रिसीवर का एड्रेस लिख रहे हैं तो रिसीवर का एड्रेस लिखते हुए यू हैव टू राइट कोड यू हैव टू राइट द पिन कोड ऑफ सिक्स डिजिट्स मान लीजिए व्हेन यू आर गोइंग टू राइट अ फॉर्मल लेटर टू एनी सिटी इज मेंशन इन योर क्वेश्चन पेपर आपका क्वेश्चन पेपर में कोई सिटी दी है आपको उसके बारे में लेटर लिखना है तो बेटा हो सकता है आपको उस पर्टिकुलर सिटी का क्या पिन कोड ना पता हो यू माइट नॉट बी व्हाट यू माइट नॉट बी नोइंग अबाउट द पिन कोड ऑफ दैट पर्टिकुलर सिटी उस सिटी के पिन कोड के बारे में हो सकता है आपको ना पता हो तो आप वहां पर क्या कर देंगे यू विल पुट सिक्स क्रॉसेस ओवर देयर एज आई एम राइटिंग फॉर यू
जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ पर आप लोगों की जानकारी के लिए परसों भी ऐसे ही हम लोग लिख देते हैं 11100 14, ठीक है। दिस इज द पिन कोड ऑफ द प्लेस वेयर वी आर राइटिंग, जिसके लिए हम लिख रहे हैं। इसके बाद बेटा मैंने क्या बताया था, रिसीवर से एड्रेस के बाद सब्जेक्ट या सैलूटेशन, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक लाइन फिर लीव करके क्या लिख देंगे, दैट इज सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट बेटा देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड से ही शुरू हो रहा है सब कुछ। सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, रिगार्डिंग द फेक न्यूज बाय लोकल एलिमेंट्स जो है उनके द्वारा फेक न्यूज को क्या किया जा रहा है, फैलाया जा रहा है। सो इसके रिगार्डिंग वी विल राइट द लेटर। इसके बाद हम क्या देंगे बेटा, सैल्यूटेशन देंगे। सैल्यूटेशन हम पहले लिख सकते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिख सकते हैं, सब्जेक्ट हम बाद में लिख सकते हैं, उसके पहले सैल्यूटेशन दे सकते हैं। इट इज ऑप्शनल, इट अप टू यू बेटा, ठीक है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसके बाद आप क्या करेंगे, सैल्यूटेशन जस्ट इसके नीचे एक लाइन लिख करके आप सैल्यूटेशन डालेंगे। इसमें आप क्या लिखेंगे, डियर सर, क्या लिखेंगे बेटा, डियर सर। और ध्यान रहे इसके तुरंत बाद आपको कोमा डालना है बेटा, इसके तुरंत बाद आपने कोमा डालना है, ठीक है। इसके तुरंत बाद आपने कोमा जरूर डालना है, अदरवाइज तो फॉर्मेट हाफ मार्क डिडक्ट हो जाएगा बेटा। अगर आपने इतना किया है डेफिनेटली द एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू डिडक्ट योर मार्क, एक आधा भी नंबर आपका एग्जामिनर डिडक्ट नहीं करने वाला है ऑन द फॉर्मेट, ठीक है बेटा। एड्रेस प्लेसिंग में आपका कोई भी मार्क नहीं कटेगा बिल्कुल भी। इसके बाद बेटा डीएस सर, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसके बाद हम लोग करेंगे लेटर की बॉडी के बारे में चर्चा। नेक्स्ट इज व्हाट, द बॉडी, क्या बेटा, द बॉडी में मैंने आपको बताया कि यू हैव टू डिवाइड द बॉडी इनटू थ्री पार्ट्स, ठीक है। बॉडी को आपको तीन पार्ट्स में डिवाइड करना है। इंट्रोडक्शन बेटा, अगर जब आपको क्या लिखना है, व्हेनेवर यू आर राइटिंग अ फॉर्मल लेटर, जब भी आप एक फॉर्मल लेटर लिख रहे होंगे, अगर मैं आपसे बात करूं कि अ पर्सन मेबी ऑफ योर फैमिली आर रिलेटिव वट एवर इज देयर, तो क्या होगा बेटा, मैक्सिमम चांसेस कैसे है वहां पर, ही माइट नो अबाउट एवरीथिंग, नॉट एवरीथिंग बट अलीस्ट वो काफी जानते होंगे। तो इसके लिए जब आप एक फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो बेटा यहां से एक लाइन आप छोड़ने के बाद क्या लिखेंगे, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, ठीक है। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, बेटा समझिए मैंने लिखा ड्रॉ योर अटेंशन, इट इज नॉट कंपल्सरी दैट यू हैव टू राइट ऑलवेज एवरी टाइम यू हैव टू राइट ड्रॉ योर अटेंशन, ऐसा नहीं होगा कि हमेशा आपको ड्रॉ योर अटेंशन। इट इज माय वे टू राइटिंग, एक ऐसे ऑफिशियल को मैं जानकारी देना चाह रहा हूं, ऑफिशियल को मैं लेटर लिख रहा हूं जिसकी मैं जो अटेंशन है, जिसकी को मैं अटेंशन है उसे यहां स्कोर लेकर आना चाहता हूं, उसकी अटेंशन को मैं स्कोर लेना चाहता हूं, जो क्या है मेरा सब्जेक्ट क्या है, फेक न्यूज का, ठीक है। उनकी नॉलेज में मैं ये चीज लाना चाहता हूं, हियर इज समथिंग हैपनिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। तो इसके बाद आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, मैं आपके अटेंशन, उसके बाद क्या, दैट इन आवर लोकेलिटी दैट इज न्यू दिल्ली का चांदनी चौक है, व्हाटएवर इज देयर इन आवर लोकेलिटी न्यू दिल्ली फॉर ए ग्रेट 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 दैट दैट, ठीक है, वहां पर हमारी लोकेलिटी ऐसा हो रहा है। अब आपका क्या होगा बेटा, ये इंट्रोडक्शन हो गया आपकी लोकेलिटी में क्या हो रहा है, फिर आप कहेंगे मेन कंटेंट में आप कहेंगे कि हमारी लोकेलिटी में ऐसा हो रहा है, आई वॉन्ट इट टू स्टोर, इट विल क्रिएट आ कॉन्ट्रोवर्शियल सिचुएशन इन आर लोकेलिटी, ठीक है। तो आपका मेन कंटेंट वहां पर क्या हो गया बेटा, इन्फॉर्म हो गया, देन यू विल कंक्लूड योर थिंग्स, बिकॉज आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग यू रिगार्डिंग दिस, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू स्टॉप एनी काइंड ऑफ फ्यूचर प्रेजेंट से मैं आपको बचना चाहता हूं, ठीक है, बचाना चाहता हूं, इसलिए दैट आई एम राइटिंग द लेटर। और जब लास्ट में आप लिखेंगे, ठीक है, वहां लास्ट में ध्यान रखिए, लास्ट में आप जब लिखेंगे क्या बेटा, दैट इज
सैनिटेशन। लिविंग सैनिटेशन लिखते हुए बेटा क्या करेंगे आप? When you will write living sanitation, तो उसमें क्या करेंगे बेटा? वो भी क्या होगा बेटा? Let will be the left, ठीक है? Your sincere, या आप क्या कर सकते हैं? Faithfully, ठीक है? उसके बाद क्या लिखेंगे? Put your name. क्या लिख देंगे बेटा? पुट योर नेम अलोंग विद योर सिग्नेचर, ठीक है? नेम ऐसे हो जाएगा या ऐसे ना करके आप यहां पर क्या सिग्नेचर कर देंगे तो फिर क्या लिख देंगे? नेम। यू विल राइट द नेम, आपका नेम जिसने वो लिखा। सो इट इज द फॉर्मेट ऑफ वर्ड, अ फॉर्मल लेटर। एक फॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है, ठीक है? सबसे पहले अब मैं बेटा क्या कर रही हूँ, दो दो वर्ड्स मैंने लिखे हैं, इन्हें मैं क्या कर देता हूं बेटा, यहां से रफ कर देता हूं, ठीक है? अब हमारा लेटर क्या हो गया? हाउस नंबर 15 स्ट्रीट नंबर 5 मेन मार्केट रोड मोदी नगर अगस्त, डेटा लिखना होगा, ठीक है? यहां पर ऑप्शन लगा आप पिन कोड लिखे या ना लिखे, इसमें जब मैंने बैठ इट इज एसेंशियल इन द रिसीवर सेल, ठीक है? डेटा आपने लिखा, उसके बाद आपने किसको लिख रहे हैं उसके बारे में लिखा, उसकी फर्म का नेम लिखा, उसकी फर्म के बाद उसका एड्रेस लिखा, एड्रेस लिखने के बाद आपने पिन कोड मेंशन किया। अगर आपको पिन कोड नहीं पता है तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं बेटा? 6 क्रॉस भी बना सकते हैं, मींस एग्जामिनर को पता है, पता चलेगा कि जो बच्चा वेदर हू को ही और सी इज राइटिंग द लेटर, उसे प्रॉपर फॉर्मेट का पता है, ठीक है? तो वहां पर आपके मार्क्स बिल्कुल भी डिडक्ट नहीं होंगे। उसके बाद आप चाहे तो सब्जेक्ट लिख दें, चाहे तो सैलिटेशन लिख दें। सब्जेक्ट जब आप एक चीज हो, जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखते हैं फॉर्म का नेम, तो वो उसमें मल्टीपल वर्ड्स हो सकते हैं, तो उन वर्ड्स का हर एक लेटर फर्स्ट लेटर क्या होगा? हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, एज आई हैव रिटन हियर। सब्जेक्ट सैनिटेशन बॉडी ऑफ द लेटर, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, मोस्ट प्रोबेबली मेनी ऑफ द यस मोस्ट प्रोबेबली द सेंटेंसेस आर स्टार्टेड विद दिस सेंटेंस, ठीक है? जब भी हम बॉडी शुरू करते हैं, बॉडी लिखने की शुरुआत करते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली हम इसी से, आप अपने वर्ड्स में भी आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू व्हाट एवर यू वांट टू चूज, ठीक है? उसके बाद आप कंटेंट लिखेंगे, मेन कंटेंट दैट इज नॉट ऑटोमेटिक आर सम आर ह्यूमर्स आर प्रीवेलिंग, ठीक है? कुछ ह्यूमर्स चल रही है जिसकी वजह से इट इज गोइंग टू डिस्टर्ब द एनवायरमेंट द यस एनवायरमेंट ऑफ द सोसाइटी। उसके बाद आप कंक्लूड करेंगे, कंक्लूड करने के बाद बेटा आप लिख देंगे अपना लिविंग सैनिटेशन जो किस तरह से हम लिखेंगे। फॉर्मल लेटर लिखते हैं, चलिए अभी फॉर्मल लेटर हम लोग लिखते हैं। मैंने बताया फॉर्मल लेटर में सबसे पहले क्या आता है? सेंटर का एड्रेस आता है। सेंटर का एड्रेस आएगा तो सबसे पहले बेटा हम एक सेंटर के बारे में लिखते हैं। हमारा लेटर क्या? लेटर फॉर इश्यू ऑफ अ ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू करने के लिए हम एक लेटर लिख रहे हैं, उसमें हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले पता लिखेंगे किसका? सेंटर का। क्या होगा बेटा? 66B Hill Park Drive, Hill Park Drive, 66B Hill Park Drive, Hill Park Drive, ये एड्रेस ऑलरेडी मेरे पास है बेटा। इसके बाद में क्या लिखूंगा? ऑर्गेनाइजेशन या मेरा परमानेंट जो एड्रेस है या मेरी फर्म है जहां से मैं लिख रहा हूं, ठीक है? वो क्या है? आई टी पॉल। क्या है बेटा? पॉल। इसके बाद कहां से लिख रहा हूं? दैट इज फ्रॉम मुंबई। बेटा ध्यान रखें फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल इन एवरी सिचुएशन, ईच एंड एवरी सिचुएशन, ठीक है बेटा? इसके बाद मैंने ये कहा फ्रॉम वाला है और इसके नीचे क्या आएगा बेटा? इसके नीचे क्या आएगा बेटा? माई डेट। क्या होगा बेटा वहां पर? दैट इज डेट। अब डेट चल रही है, हम डेट क्या लिख देते हैं? एक लाइन को यहां पर छोड़ेंगे, डेट लिखेंगे 15
जुलाई 2020। ठीक है बेटा, 15 जुलाई 2020। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस बेटा हम किसे लिखते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, तो हमें किसे लिखना होगा, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को लिखना होगा। ठीक है, द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बेटा फर्म का नाम क्या है, फर्म का नाम जिसके नीचे वो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है, हमने लिखा है उस व्यक्ति को। अब उनका क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, क्या है, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री। चाहे तो आप इसे ब्रैकेट में भी बंद कर सकते हैं, बिकॉज इट इज जस्ट फॉर रिप्रेजेंटिंग इट, ये किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये कहां का है, छत्रपति शिवाजी बिल्डिंग। ठीक है, कहां पर है, दैट इज इन मुंबई। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे बेटा, पिन लिखेंगे, पिन कोड हमने बता नहीं है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, वी विल पुट सिक्स क्रॉस ओवर, हम यहां पर 6 क्रॉस बना देंगे। ठीक है बेटा, इसके बाद सब्जेक्ट बेटा मैंने यहां लिख दिया है, चाहूं तो सब्जेक्ट को यहां भी लिख सकता हूं। मैं क्या लिखूंगा, इसके बाद एक लाइन लिखूंगा, सैल्यूटेशन लिखूंगा। क्या लिखूंगा, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में मैं क्या लिखूंगा बेटा, सैल्यूटेशन से पहले मैं सब्जेक्ट लिख देता हूं। मेरा सब्जेक्ट क्या है बेटा, मेरा सब्जेक्ट क्या है, रिक्वेस्टिंग टू इश्यू ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं बेटा, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अब मैं क्या लिखूंगा, लेफ्ट कॉलम से डियर सर, सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा पुट अ कॉमा, यहां पर कॉमा हमने प्लेस करना है। ठीक है, अब मैं क्या लिखूंगा, नाउ आई विल राइट, नाउ आई विल राइट, अपना स्टार्ट करूंगा, आई एम बेटा एक लाइन में करेंगे, आई एम आ रेजिडेंट ओ पोवाई मुंबई। ठीक है बेटा, सिंस आई शॉर्टली ड्राइविंग टू माई वर्किंग प्लेस, टू माई वर्किंग प्लेस, सो आई नीड ड्राइविंग लाइसेंस, इसीलिए मुझे ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत है। बेटा ये वाला मेरा पार्ट कौन सा हो गया, दैट इज इंट्रो। क्या हो गया बेटा, इंट्रो हो गया, ये मेरा इंट्रो हो गया। ठीक है, बॉडी मैंने लेटर दिया ना, तो पहली बॉडी क्या है, इंट्रो। ठीक है, इसका बेटा बहुत जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी ऊपर से हम दोबारा शुरू करते हैं। ठीक है, बिकॉज द स्पेस इज नॉट सो मच, तो अब हम लोग दोबारा शुरू करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे बेटा, स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम मेन कंटेंट देखेंगे। ठीक है, चलिए ऊपर से रख कर देते हैं। ऊपर से रख करने के बाद द
रजिस्ट्रेशन नंबर ओ माय कार इज व्हाट विल बी अकॉर्डिंग टू दैट। मैं यहां पर लिख देता हूं MLZ 9999। ये मेरा क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ माय कार, ठीक है। आई वुड एक्सट्रीमली grateful to you if you will notify to me soon। मैं आपको क्या रहूंगा, grateful रहूंगा अगर आप मुझे notify कर देंगे कब, जल्दी इसके बारे में। क्यों करेंगे नोटिफाई, ये क्या हो गया बेटा मेरा, ये हो गया मेरा कंटेंट, कौन सा कंटेंट, दैट इज मेन कंटेंट। इसके बाद मैं क्या करूंगा, क्लोजिंग, क्लोजिंग में क्या करूंगा बेटा, कंक्लूडिंग, एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू यू, अगर आप मुझे नोटिफाई कर देंगे सून, क्यों कर देंगे जल्दी नोटिफाई, एस आई एम working with an organization, मैं organization के लिए work कर रहा हूं, so I need to apply a leave for driving test। ड्राइविंग टेस्ट के लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी, एक लीव की एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, ठीक है, लीव की एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, सो दैट ऑल माय वर्क्स विल बी ऑलराइट, ठीक है, मेरे जो वर्क है वो अच्छे से हो जाएंगे सर। इसके बाद बेटा आप क्या करेंगे, इसके बाद आप देंगे अपना लीविंग सैलिब्रेशन। लीविंग सैलिब्रेशन क्या होगा, फेथफुली सिंसियरली आप लिख सकते हैं, योर फेथफुली, या आपका लीविंग क्या हो गया, ये आपका हो गया बेटा लीविंग सैलिब्रेशन, ठीक है, लीविंग सैलिब्रेशन के योर फेथफुली। उसके बाद आप क्या अपने सिग्नेचर कर देंगे और यहां पर अपना नेम लिखेंगे, लेट से मैं लिख देता हूं नेम राकेश, राकेश नाम लिख के आप यहां पर ऐसे नोट कर देंगे, व्हाट एवर इज द नेम, ठीक है। इसके करने के बाद व्हाट इज देयर, योर लेटर इज नाउ कंप्लीट, योर लेटर इज नाउ कंप्लीट, सो इट इज अ फॉर्मेट दैट टू राइट अ लेटर, ठीक है। सो वी हैव लर्न बेटा अबाउट द फॉर्मल लेटर्स, फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है एंड हाउ टू राइट अ फॉर्मल लेटर, हमने आज एक लेटर की प्रैक्टिस भी की है, ठीक है। इसके बाद बेटा आपको आई व्हेन यू विल बी वाचिंग द वीडियो आई शैल बी सेंडिंग यू द पीडीएफ एस आ यस एज होमवर्क, यू हैव टू राइट द लेटर्स दैट आई विल गिव यू द इंफॉर्मेशन अबाउट, ठीक है। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, एंजॉय योर स्टडीज, एंड बेटा वन मोर थिंग, पे अटेंशन, व्हाट एवर यू आर स्टडीइंग मस्ट बी अप टू द मार्क, थैंक यू, हैव अ गुड डे। If you found the video worth watching, kindly like, share and subscribe my channel.